भीड़ के अनुमान ना लगो पौलस प्रशासन भगदड़ के बाद भई लाठीचार्ज। पटना के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी पे लाखों श्रद्धालु पहुँचले, धक्का मुक्की से महिला लड़का गिरले। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार, SSP राजीव मिश्रा के बयान आ भीड़ के भी वीडियो दिखाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब कर ली, फेसबुक पेज पर देखतनी तो फॉलो कर ली, देखला के बाद शेयर जरूर करी। जन्माष्टमी के मौका पे पटना के इस्कॉन मंदिर के बाहर सोमवार के शाम करीब 7:30 बजे अचानक भीड़ बढ़े लागल। गेट खुले से धक्का मुक्की बढ़ गई। ओह वक्त गेट पर एगो DSP 2-3 सब इंस्पेक्टर मौजूद रहे। लो भीड़ DSP या अन्य पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की करत आगे बढ़ी गई। यही दौरान कुछ महिला लड़का गिर गई। एकरा बाद पुलिस के भीड़ नियंत्रित करे खातिर लाठी चार्ज करे के पड़ल, जौना से भगदड़ माची गई। लोग एने ओने भागे लगलन। घटना में कुछ महिला पुरुष मामूली रूप से चोटिल भइलन। मंदिर के भीड़ श्रद्धालु के भीड़ अधिक हो गई। गेट खुलते भीड़ कोनो तरह अंदर घुसल चाहत रहे, ही दौरान धक्का मुक्की या भगदड़ मच गई। मौका के स्थिति देख के साफ लागत रहे कि प्रशासन भीड़ के आकलन ना कर पौल। यही कारण ही घटना भई। एगो अधिकारी के नाम ना छापे के शर्त पे बतैलन कि भीड़ अधिक बढ़ला पे ऊर्जा मौजूद एगो अधिकारी गेट बंद करवा देलन। अचानक गेट खुलला से भीड़ बेकाबू हो गई। यही के बाद स्थिति बिगड़ल। पूरा मामला में जिला प्रशासन और पुलिस के बीच सामंजस्य के अभाव दिखल। इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष कृष्ण कृपा दास कहनी कि मंदिर के अंदर लोग के लाइन लगा के जाए के व्यवस्था कैल गई रहे, लेकिन बाहर खातिर कोनो व्यवस्था ना रहे। एह बार के बाद से हमनी के सीख मिलल बा कि अगला बार से 2 से 4 किलोमीटर दूर तक जैसे पटना के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में रामनवमी के अवसर पे व्यवस्था कई जाला, वही तरीका से कृष्ण जन्माष्टमी पे भी व्यवस्था होई। बल प्रयोग अनहोनी के रोके खातिर कैल गई। भीड़ बेकाबू हो गई। लोग से लाइन में लगे खातिर बोलल जात रहे, तबो लोग लाइन में ला लागत रह। इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष कृष्ण कृपा दास कहनी कि लाठीचार्ज नहींखे भइल, कुछ लोग लाइन तुर के जबरदस्ती घुस गइलन। ऐसे दूसरा लोग के परेशानी होत रहे, पुलिस इनका के रोके खातिर हल्का बल प्रयोग कैलन। अगर पुलिस ना करी तो दूसर लोग के परेशानी हो। तभी मंदिर के अंदर अब बाहर लाखों लोग के श्रद्धालु के भीड़ जुटल रहे। पटना के SSP राजीव मिश्रा बतैनी कि केहू के घायल होके के सूचना नहीं थे, ना ही कोनो लाठी चार्ज भइल बा। कई लोग लाइन तुर के घुसे के कोशिश करत रहे, जौना में लाइन में लोग के लगावल गईल। इस्कॉन मंदिर के प्रवक्ता नंद गोपाल दास कहनी कि श्रद्धालु लाइन से आवत जात रहन, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहे। पुलिस परिस्थिति के अनुसार ही कदम उठैलस। अभी तक इस्कॉन में 6 लाख लोग पहुँच चुकल रहन। भगदड़ के दौरान पटना के इस्कॉन मंदिर पहुँचल श्रद्धालु से बाइक चैन आ मोबाइल के छिनतई के 12 से अधिक मामला आइल बा। घटना के लेके कोतवाली थाना में पीड़ित श्रद्धालु शिकायत भी दर्ज करवैले बाड़न। जन्माष्टमी के अवसर पे मंदिर प्रशासन दावा कैले बिया कि सुरक्षा के देखत 14 गो पुलिस पोस्ट 128 कैमरा से निगरानी कैल जात रहे। अचानक से ई बंद कैला के बाद ऐसा स्थिति आई। Thank you.
भीड़ है यहाँ पर, लेकिन भीड़ प्रबंधन के लिए जो है पर्याप्त संख्या में बल लगाया गया है, और भीड़ बढ़ने के बाद कुछ एडिशनल फोर्स और बुलाया गया है। सिटी एसपी मध्य है और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर है, सचिवालय डीएसपी 2 को। इसके अलावा लगभग 10 थाना अध्यक्ष लगाए गए हैं। और जो भीड़ में चोरी होने की बात है, इसके लिए हम लोगों ने विशेष रूप से महिला पुलिसकर्मियों को सादे वेश में महिलाओं की भीड़ के बीच लगा रखा है, जो इस बात पर निगरानी रख रही हैं। लेकिन क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए अभी पहली प्राथमिकता हम लोग की भीड़ प्रबंधन की है। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है, हम लोग जो है धीरे धीरे करके लोगों को अंदर मंदिर में प्रवेश दे रहे हैं, और जब मंदिर प्रांगण खाली हो जाता है उसके बाद जो है पहले मन लोगों को निकालते हैं और फिर जो है नए सिरे से प्रवेश देते हैं। कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं? नहीं, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है तो हो सकता है गिरने से किसी को कोई चोट आई हो, लेकिन ऐसा कोई भगदड़ की स्थिति या कोई ऐसी नहीं, सिचुएशन कंट्रोल में है।